देखते हैं भाई साहब भी सेवा दे रहे हैं क्या आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन दास। और कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से कौन से जिला से हैं? सिराहा जिला। कौन जिला से? सिराहा जिला। सिराहा जिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी। आप कहाँ से हैं माता जी? सीवर जिला। आप लिए मंत्र की नहीं गुरु जी से? भगत है कि जगत है? जगत है अभी। अच्छा अच्छा पहली बार देखिए यहाँ पर, चूंकि पहले तो हम लोग जगत ही होते हैं, यहाँ आने के बाद समझने के बाद हम लोग भगत है। आप क्या है, जगत है कि भगत है? जी हम भगत है, संत रामपाल जी महाराज के जेल है। कब लिए आप दीक्षा? हम दीक्षा दिसंबर 1921 को। सबसे पहले बताइए जो आपका क्या नाम है? मैं शिल्पा दासी। कहाँ से हैं आप? शिवहर जिला बिहार। शिवहर जिला बिहार से हैं? हम भी बिहार से हैं, सुपौल जिला से। हम लोग एक ही मतलब बासी हुए। चलिए आप किस ईस्वी में लिए दान दीक्षा? जी हम 20वीं। अच्छा, उससे जो आप जो जुड़े इस संस्था से, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो आए, तो आपको जिंदगी में क्या लाभ हुआ? जी मालिक की दया से तो इतने लाभ हुए कि कहते कहते थू सूख जाएंगे, लेकिन परमात्मा की लाभ सुनते ही ना इतनी आस्था दिन में जगती है। हम लोग शिक्षित समाज हो रहे हैं, शिक्षित समाज हो रहे हैं, अपने सदग्रंथ को अपने हाथों से अपने उंगली रख करके पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, सदग्रंथ को अपने हाथ से धर धर के बता रहे हैं कि बेटा देखो यहाँ पे ये लिखा है, तुम्हारे सदग्रंथ में यहाँ प्रमाणित किया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? जी हमारी उम्र अभी 18 वर्ष हो रही है। तो आप अपने परिवार में सिर्फ आप ही तो दीक्षा लिए हैं कि और भी हैं लोग? जी नहीं, मालिक की दया से हमारे परिवार में हर सभी परिवार है। हमारे परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोग अभी पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा लिए। तब तो आपका परिवार एकदम मंगल में होगा। अगल बगल में जो जगत लोग हैं और आप में क्या अंतर है? जी अगल बगल में जो आडम्बर होती है अक्सर, परमात्मा का ज्ञान इतना है कि परमात्मा की दया से हम लोग हर आडम्बर से दूर रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग कोई भी आडम्बर में सहयोग देना या परमात्मा का जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, मतलब चलना भी चाहिए। एक चीज मैं आपसे, और पहले जो आपका जीवन था, आपका जो दिनचर्या था और अब का है, इसमें क्या अंतर आपको? जी पहले की दिनचर्या थी बहुत ही, जैसे होता है ना ये काल का लोक है, इसमें थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आडम्बर से ही सुख ही चाह होती है, लेकिन जब दिल से जो सुख होती है ना वो सुख कहीं नहीं प्राप्त होता है। हम लोग भगवान से मांगते हैं कि हाँ भगवान सुख समृद्धि दीजिए, लेकिन सुख समृद्धि इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा के शरण में जाने से हमको सुख की चाह हो कि क्या सुख होता है, आनंद होता क्या है। जब सतलोक आश्रम बरवाला या परमात्मा के किसी भी आश्रम पर जाते हैं ना, तब सुख की प्राप्ति होती है कि हाँ ऐसा सुख होता है, इतनी आनंद होती है, इतनी चैन, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। हम भी पहली बार यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही प्रकार का हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको एक सवाल करता हूँ कि आपको इतनी कम उम्र में ये भक्ति का चस्का आपको कहाँ से लगा? जी देखिए, सबसे पहली बात है परमात्मा का जो पुण्यकर्मी आत्मा होते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं कि पिछले ही जन्म के कर्मों से सतगुरु का संग मिले, पिछले जन्म के कर्मों से ही सतगुरु का संग मिलता है। ऐसे सतगुरु का संग तो मानिए ऐसे कोई भी परमात्मा का जो पुण्यकर्मी आत्मा होंगे ना, पिछले जन्म होंगे उनके संस्कार में, उसकी ही वजह से सतगुरु का संग मिलेंगे, उसी की वजह से हम लोग परमात्मा के शरण में आए हुए हैं। तो आप अपने परिवार में पहले आप दीक्षा लिए कि और कोई सदस्य थे? जी पहले हमारे माता पिता लिए, उसके बाद हम लिए। अच्छा, माता पिता कितने दिन दीक्षा लिए हुए तब आप गए? एक महीना लगभग। मतलब एक महीना आपने देखा समझा इनको? जी। तो क्या मतलब जब आप दीक्षा नहीं लिए थे, जब आपके माता पिता जी दीक्षा लिए हुए थे, उस बीच कैसा बर्ताव हो रहा था, वाद विवाद? जी ऐसे माली का ज्ञान था, तो माली का जैसे साधना होता है ना, हमको साधना की इतनी चसक थी कि भगवान की भक्ति कैसे सही उपयोग से करना चाहिए कि हमको लाभ हो, उस हिसाब से हमको इतनी आस्था बनी परमात्मा में कि देखने से लगा कि हम भी परमात्मा का जो मूल मंत्र होता है ना, परमात्मा क्या मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जानने की जिज्ञासा हुई कि भगवान की भक्ति हम भी करें कि सही राह देखे और सही राह पर चल के हमें भी कुछ लाभ हो। अभी का जो लड़कियां हैं, अभी का जनरेशन की जो लड़कियां हैं, वो माता पिता का बात बहुत कम मानते हैं, लेकिन आप जो माता पिता का बात माने, आपको क्या ऐसा लगा? और दूसरी बात, आपकी जो सखी सहेली सब है,
आप उसमें अभी कैसे अपने आप को ढालते हैं, जरा ये बताइए जी। सखी सहेली की बात कीजिएगा तो सखी सहेली परमात्मा कहते हैं ना, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब से ही सब कुछ होता है। सबसे पहले इस दुनिया काल के लोग में पैसा है, पैसा के हिसाब से ही सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा का जो ज्ञान है ना, इतना अनमोल है कि उसके सामने कुछ नहीं टिक सकता है। और सखी सहेली ही अपने दूर के रिलेशन से ठीक है, अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान चर्चा ना करे, ज्ञान से ना रहे, मानते कि सखी सहेली ही सखी, मतलब फ्रेंड लोग है तो साथ में रहना चाहिए, लेकिन उस भगवान को जो सच्चे हमको जो लाभ हुआ है परमात्मा से, उस लाभ को हम अगर हम बताएं अपने सखी सहेली को, तो उन्हें भी विश्वास करना चाहिए कि हाँ क्या बात है, आखिर हमारी फ्रेंड क्या कहना चाह रही है, हम भी कुछ जा करके देखें। तो अभी आप अपनी सहेली के साथ कैसे ढालते हैं, क्या आपको भी कुछ बोलती है कि आप गलत संगत में चले गए, आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये सब दिखावा है, आडंबर है, इसके बारे में क्या होगा? देखिए, ऐसे भौतिक ज्ञान से मतलब ये सब का नजरिया जो है अलग है, इसके वजह से वो लोग जो भी सोचे, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान चर्चा होता है ना, हम लोग मालिक का जो वचन होता है, मालिक के वचन पर डटे हुए हैं, इसके वजह से हम लोग किसी के भ्रम में नहीं पड़ते हैं। कोई भी कुछ कहे, अपना बिगाड़ रहा है या अपना कुछ भी, हम लोगों का समझाने का काम है, हम लोग समझा रहे हैं परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। समझने वाला समझते, जो कर्मी आत्माएं होंगे वो समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। आपके जब आप भक्ति में आए, संत रामपाल महाराज जी से जुड़े, तो आपको अब कैसा फील हो रहा है और आपके जिंदगी का क्या लक्ष्य है? जी देखिए, सबसे ऐसे तो हम अब परमात्मा का ज्ञान हो गया तो जिंदगी का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान इतना अनमोल है ना, कि इस ज्ञान से परमात्मा का उस शाश्वत स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही ऋषि मुनि तप तप करके। चलिए यहाँ हम रोकेंगे आपको, आपने कहा मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष क्या होता है, दो लाइन इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मोक्ष वो स्थान है जिसे सतलोक कहा जाता है, वो शाश्वत स्थान है जहाँ से हम लोग आए हुए हैं, उस जहाँ पे कोई भी चीज खराब नहीं होती है, हर चीज अविनाशी है, हर चीज, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, उसे मोक्ष कहा जाता है। वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे दुख दर्द नहीं है, कोई भी चीज नहीं है वहाँ पे, यानी वहाँ खुशी ही खुशी है। हाँ, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, उसे ही मोक्ष कहते हैं जी। आप समझ सकते हैं दर्शक लोग कि इतनी कम उम्र में भक्ति का इतना इस पे हावी हो चुका है वाकई में, क्योंकि अच्छी चीज का हावी होना बहुत जरूरी है, और भक्ति हमें ये इस युग, इस जन्म में ही नहीं, कई जन्म तक हमें तारती है और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। अभी तक जो ये बता रही थी, वाकई में जबरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छी ज्ञान अभी देने का काम की है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक चीज आपसे मैं सवाल, पहली सा अब लास्ट सवाल है कि आप अपनी यंग लड़कियां को, यानी अभी आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट जी, मैं यंग लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भले ही भौतिक ज्ञान के साथ साथ परमात्मा को भी पहचाने और आध्यात्मिक ज्ञान के भी राह पर चले, क्योंकि सबसे प्रथम यह आता है भौतिक ज्ञान, भले आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो यहाँ की सुख समृद्धि के लिए, कि खान पान की, हाँ हम मतलब नौकरी करें, जॉब करें, आराम से बैठ करके खाए, इसकी वजह से काम करके तो कोई भी अपना पेट पाल सकता है, लेकिन एक जो लक्ष्य होता है ना, भौतिक ज्ञान प्राप्त करके जो लक्ष्य होता है, नौकरी करे, जॉब करे, वो हिसाब से, इस हिसाब से इतना तक ही सीमित रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो हर चीज भी पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये जीवन मिला है हमें, ये जीवन मिला है भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करने का, न कि इस संसार में आकर के जीवन मरण के चक्कर में हमेशा मतलब लगे रहे पशु के तरह, जन्मना मरना, तो इसीलिए भक्ति करना चाहिए। और बहुत बड़ी सीख इन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।